आइए भक्तों, आज सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा एवं कहानी। तो एक बार बोलिए प्रेम से, पाप मोचनी एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय में चैतरथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बिना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष की उसकी प्रत्यक्षा बनाई और उसके नेत्रों को मजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योग्य वित्त तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बिना कर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी मजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे लिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए, काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक रमन करते रहे। तदुपरांत मजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बिताया। मजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे वृप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपश्री, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापी और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध
युक्त शराब से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषि, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बतलाइए कि इस शराब का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलीन हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी। मजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शराब से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चेवन ऋषि के पास गए। चेवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिता श्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संपदा मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चेवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। रोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्राह हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञमार्ग गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से पाप मोचनी एकादशी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।